नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी 2024 में क्या बड़ा बदलाव है, 2023 से क्या क्या चीजें अलग होंगी, ऐसे कुछ सवाल स्टूडेंट्स के आ रहे थे। सर, 2024 में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या चेंज रहने वाला है सीयूईटी 2024 में, क्या 2023 से बहुत कुछ अलग होगा या फिर 2023 के समान ही होगा। क्योंकि 2024 के सेशन की शुरुआत हो रही है, प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर रहे हैं, तैयारियां आप लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टडी कैपिटल के साथ भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अपनी तैयारियों के लिए। जिनको पता है कि स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ने के बाद हमें टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन मिलेगा, तो वो सारे स्टूडेंट स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी तैयारियों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स का सवाल था, सर 2024 से 2023 में क्या चेंज होने वाला है, तो सबसे पहले नंबर वन चेंज पर अगर हम बात करें तो नंबर वन चेंज पर हम चलते हैं। और हमारे सामने ये एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सितंबर के महीने में ही जारी कर दी गई थी। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि आपका जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम होगा वो होगा 15 मई से लेकर के 31 मई के आसपास में, और सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम होगा वो होगा 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में। तो सबसे पहला जो चेंज होने वाला है आपके इस सीयूईटी में, वो सीयूईटी पीजी के एग्जाम डेट में होने वाला है। क्योंकि सीयूईटी पीजी का एग्जाम डेट पिछली बार बहुत ही लेट था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही अर्ली रखा है। सीयूईटी यूजी के एग्जाम डेट में कुछ खासा फर्क हमको देखने को नहीं मिलता है, वो लगभग जैसे पिछली बार हुआ था उसी के आसपास मई और जून के महीने में रह रहा है, तो उसमें हमें कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पहली अपडेट हो गई हमारी। इस प्रकार की अपडेट्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन प्रेस किए रहिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के बातों पर, इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि सीयूईटी की आपको यहाँ पर हम हर एक अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग और जो फैक्चुअल बातें होंगी, कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जो आपके लिए फैक्ट्स के रूप में हम देना चाहेंगे, वो सारी कंटेंट्स आपको हम देते रहेंगे। और साथ ही साथ स्टडी कैपिटल के एंड्रॉयड ऐप, मैं आपको बता दूँ कि स्टडी कैपिटल का जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा स्टडी कैपिटल, वहाँ पर हमारा स्टडी कैपिटल का एंड्रॉयड ऐप मिलेगा। वहाँ से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, चाहे वो सीयूईटी पीजी के कोर्स को आपको ज्वाइन करना हो या फिर सीयूईटी यूजी के, और बेस्ट ऑफर्स के साथ बहुत ही कम प्राइस में आप अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए फटाफट से स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए। हमारे कॉन्टैक्ट के लिए नंबर है 9336257345, इस नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर चाहे आप व्हाट्सएप करें चाहे कॉल करें, हमारी टीम अपने वर्किंग आवर में आपको रिस्पॉन्ड करेगी कम्प्लीटली। अब अगले चेंजेस पर बात करते हैं। तो अगर मैं अगले चेंजेस पर बात करूं तो हमारे सामने ये है सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको जरा हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। ये सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जब हम यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन में आते हैं और जब हम सिलेबस सेक्शन में आते हैं, तो अभी तक हमारे पास सिलेबस जो है लगभग 2023 का ही है। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, और ना ही एनटीए ने इस चीज को कहा है कि वो सिलेबस में कुछ चेंज करेंगे। इसलिए अपने प्रीवियस जो आपका सिलेबस है, जो हमने वीडियोज में बताया भी है, उस सिलेबस को फॉलो करिए, वही 2024 में भी रहने वाला है। सीयूईटी 2024 में यूजी की अगर बात करें तो यूजी के भी सिलेबस में हमें कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से हमारा लैंग्वेज था, जिस तरीके से हमारा डोमेन था, जिस तरीके से हमारा जनरल टेस्ट था, वही पैटर्न रहने वाला है। यानी सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, एग्जाम डेट में थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ इतना ही चेंज है 2023 की तुलना में 2024 के सीयूईटी में। अब आपको फोकस हो करके इस पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम इस बार अगर कोई एक चेंज है तो वो ये है कि एंट्रेंस एग्जाम अर्ली होने वाला है। सीयूईटी पीजी का काफ़ी अर्ली है, सीयूईटी यूजी का थोड़ा सा अर्ली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम है तो बोर्ड्स एग्जाम के साथ भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। कम से कम सीयूईटी के लिए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे समय जरूर दीजिए, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम के समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न बने, बहुत ज़्यादा बर्डन न बने। उसी प्रकार से सीयूईटी पीजी के एस्पिरेंट्स के लिए अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ आप 2 से 3 घंटे का समय अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूर दें, जिससे कि आपको सीयूईटी के एग्जाम के समय बर्डन और प्रेशर ना बने। और हर प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। और कोर्सेज में आप जरूर जुड़ जाएं, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वर्ष हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीएचयू में पहुँचाया है, डीयू में पहुँचाया है, जीएनयू में पहुँचाया है। बीएचयू में तो हमारे रिजल्ट्स की भरमार है, डीयू में भी हमारे बहुत संख्या में रिजल्ट्स हैं, जीएनयू में भी हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर एक इंस्टीट्यूट की बात करें, क्योंकि जीएनयू हमारी सीटें कम है, उसके बाद भी हमने हर एक सब्जेक्ट में 2 सीटें 4 सीटें 2 सीटें 4 सीटें हमने एडमिशन कराया है जीएनयू वगैरह में। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट रहा है। स्टडी कैपिटल के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के तैयारी करिए। आपको हर एक अपडेट के लिए हम यहाँ पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।